अपना आज का टॉपिक है मान की अवधारणा। ये इकोनॉमिक्स के अंदर सेकेंड यूनिट के अंदर तीसरा टॉपिक है मान की अवधारणा। सेकेंड यूनिट टोटल कितने अंकों की है? 12 अंकों की है। उपभोक्ता, मांग की अवधारणा एवं मांग की कीमत लोच। उपभोक्ता, मांग की अवधारणा और मांग की कीमत लोच, ये चार चार अंकों का तीन पार्ट की सेकेंड यूनिट बनती है। अपन आज तैयार करेंगे कि मांग की अवधारणा क्या है, मांग किसे कहते हैं, मांग के अंदर अंदर कौन सी मांग होती है, बाजार मांग है, मांग अनुसूची है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची है, किस प्रकार को मांग कहते हैं। मांग के द्वारा ही पूरे देश की अर्थव्यवस्था निर्धारित होती है। जहां पर प्रोडक्शन अधिक है यानी मांग अधिक है, प्रोडक्शन कम है तो मांग कम है। अपन शुरुआत करेंगे मांग की अवधारणा के अंदर, मांग का अर्थ एवं मांग की परिभाषा। मांग का अर्थ एवं मांग की परिभाषा में पहले अपन समझते हैं कि मांग है क्या, मांग होती क्या है। मांग के अंतर्गत मुख्यतः तीन तत्व निर्धारित किए गए कि तीन तत्व होने से वह मांग कहलाती है। तीन तत्व कौन कौन से हैं? पहले इच्छा या आवश्यकता, यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की आपके पास में इच्छा और आवश्यकता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लो आपको कोई बाइक खरीदनी है तो आपको उस बाइक के प्रति आपकी इच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी, मुद्रा या पैसा, आपके पास में उस बाइक के अकॉर्डिंग आपके पास में क्या होना चाहिए, मुद्रा यानी पैसा होना बहुत आवश्यक है। तीसरा, ये हो गई इच्छा है, ठीक है, जेब में पैसे भी है मनी के। तीसरा, पैसे खर्च करने की इच्छा भी होना बहुत आवश्यक है, यानी आपकी इच्छा भी है, मुद्रा भी है और पैसे खर्च करने की इच्छा है, तभी आपकी वो मांग पूरी कंप्लीट होगी। ऐसा नहीं है, इच्छा तो है, पैसे भी है, लेकिन वो पैसे आप खर्च नहीं करने चाहते हो तो मांग पूरी कंप्लीट नहीं होगी। इच्छा बहुत ज्यादा है, रोल्स रॉयस लेनी है, लेकिन उसके पैसे होने बहुत आवश्यकता है, पैसे है लेकिन 1.5 करोड़ में थोड़ी खर्च करेंगे। तो ये मांग के तीन तत्व के अंतर्गत क्या आ गई, इच्छा, मुद्रा और पैसे खर्च करने की इच्छा होने, तब क्या कहलाती है, मांग कहलाती है। अब मांग की तत्व के अंदर क्या शामिल किया है, इच्छा, मुद्रा और मुद्रा को खर्च करने की इच्छा। अब इसकी परिभाषा में आते हैं कि मांग को परिभाषा को संक्षिप्त रूप में परिभाषित कीजिए। मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा से है जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। और मांग की अवधारणा के साथ साथ क्या सम्मिलित रहते हैं, स्थान, समय व कीमत, तीनों आदि आते हैं। एक बार दोबारा रिवीजन करते हैं, मांग की परिभाषा से क्या तात्पर्य है। मांग से तात्पर्य उन विभिन्न वस्तुओं की मात्रा से जो उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तत्पर रहता है। और मांग की अवधारणा के अंतर्गत स्थान, समय एवं कीमत तीनों सब्जेक्ट शामिल होते हैं। यानी राजस्थान के अंदर बाजरा है तो यहां पर बाजरे की मांग कम होती है, कारण प्रोडक्शन यही है और कीमत भी यहां पर क्या होगी, उसकी कम होगी। केरला के अंदर इलायची ज्यादा होती है, वहां पर कीमत उसकी कम है, लेकिन बाजरा यदि केरला में चला जाए और केरला का जो इलायची राजस्थान में जाए तो कीमतों में वृद्धि। तो स्थान, समय और कीमतें तीनों आदि निर्धारित करते हैं मांग को, जिस समय सिचुएशन क्या है उस समय वह कीमतें निर्धारित करती है। अब आते हैं अपने बाजार मांग। बाजार मांग से तात्पर्य है कि किसी निश्चित स्थान के अंदर निश्चित यानी अलग अलग उपभोक्ता द्वारा जाने वाली मांगी जाने वाली मात्राओं को क्या कहते हैं, बाजार मांग। यानी ए उपभोक्ता है, बी उपभोक्ता है, सी उपभोक्ता है, इन तीनों का योग जो उपभोक्ता मांगते हैं वस्तुओं खरीदते हैं वह उनकी क्या कहलाती है, बाजार मांग। जितने भी उपभोक्ता है ए बी सी डी जो भी है उनका सभी की मांगी जाने वाली मात्राओं यानी वस्तुओं का जो योग कहलाता है वह क्या कहलाता है, बाजार मांग कहलाता है। अब बाजार मांग के बाद में आती है मांग अनुसूची। मांग अनुसूची को अर्थशास्त्रियों ने दो तरीके से विभाजित किया है, पहला है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, दूसरी है बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है और बाजार मांग अनुसूची क्या होती है, इसको अपन समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है
और बाजार मांग अनुसूची। मांग समझ गए, मांग की परिभाषा हो गई, बाजार मांग हो गई, अब मांग अनुसूची है। मांग अनुसूची को दो तरीके से विभाजित किया है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची में केवल और केवल एक उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्राओं का ही वर्णन किया जाता है। यानी मैं कोई वस्तु खरीदता हूं और उनका मैं विवरण करता हूं तो वह केवल मेरी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन कर रहा हूं, तो वह व्यक्तिगत मांग अनुसूची कराई। मैंने प्रति किलोग्राम कीमत हो गई और मैं कोई वस्तु समझ लो यहां पर अनार ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो, अनार है, संतरा है, सेब है, जो भी है, अनार की मांगी जाने वाली मात्रा। जब मार्केट में यदि कीमत 25 रुपए थी तो मैं 1 किलोग्राम वस्तु लेके आता था, मार्केट में कीमत 25 के बाद में 50 हुई तब मैं 750 ग्राम अनार लेके आने लग गया। उसके बाद में जब अनार की कीमत कितनी हुई 75, तब मैं 500 ग्राम लेके आने लग गया। जब अनार की कीमत कितनी हुई 100 रुपए, तब मैं 250 ग्राम अनार लेके आने लग गया। तब ये क्या कहलाती है, ये कीमतें अधिक होती है तो मांग की मात्रा क्या होती है, कम होती है। कीमतें यदि कम होती है तो मांग की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ये एक दूसरे की क्या होती है, प्रतिलोम होती है। इन रिवर्स भी बोल सकते हैं, आपस में कीमत और मात्रा एक दूसरे की क्या होती है, प्रतिलोम। इसे ही क्या कहते हैं, मांग का नियम। मांग का नियम आगे आएगा, उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। यहां पर यह हो रहा है केवल और केवल व्यक्तिगत मांग अनुसूची समझा रहा हूं कि एक वस्तु की कीमत कम है तब मैं क्या हूं, अधिक। जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड है बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग मैंने बताया था कि विभिन्न उपभोक्ता ए बी उनके द्वारा जो मांगी जाने वाली मात्राओं का यानी वस्तुओं का जो योग कहलाता है, क्या कहलाता है, बाजार मांग। यहां पर बाजार मांग अनुसूची यानी इनको अनुसूची में विवरण करके प्रदर्शित किया गया, ए उपभोक्ता द्वारा, बी उपभोक्ता द्वारा, और इन दोनों का योग क्या कहलाएगा, बाजार मांग अनुसूची। यानी 25 रुपए की कीमत है, ए उपभोक्ता 1000 ग्राम लाता है, बी उपभोक्ता 1100 ग्राम ला रहे हैं। 50 रुपए की है तब ए उपभोक्ता 750 ग्राम ला रहे हैं और बी उपभोक्ता कितना ला रहा है, 800 ग्राम ला रहे हैं। और जब कीमत उसकी 75 ग्राम है तब ए उपभोक्ता कितनी ला रहा है, 500 ग्राम, और बी उपभोक्ता 450 यानी 475 ग्राम ला रहा है। जैसे जैसे इस वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो रही है तो अलग अलग उपभोक्ता उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं में धीरे धीरे कमी कर रहे हैं। यहां पर अपन ए के स्थान पर बी भी कर सकते हैं, बी के स्थान पर सी भी कर सकते हैं, कम से कम 10 उपभोक्ताओं का योग करके अपन बाजार मांग अनुसूची प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर मैंने 1000 ग्राम और 1100 ग्राम, इन दोनों का योग क्या हुआ, 1000 और 1100 कितना हो गया, 2100 ग्राम। ये क्या कहलाएगी, उसकी बाजार मांग अनुसूची। 50 रुपए की हुई तब 750 और 800, 1550 ग्राम। फिर 75 रुपए की हुई तब 500 ग्राम और 450, 500 और 400 975 ग्राम। इन दोनों वस्तुओं का योग क्या कहलाता है, बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची में केवल और केवल एक उपभोक्ताओं का अध्ययन किया जाता है और बाजार मांग अनुसूची में इन दोनों जितने भी उपभोक्ता उनका समग्र जो योग होता है मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का, तो ये योग कहलाता है। होमवर्क के अकॉर्डिंग मैं आपको काम दे रहा हूं, मांग की अवधारणा याद करना है, मांग का अर्थ परिभाषा कंप्लीट याद होनी चाहिए, तत्व शामिल होना चाहिए, बाजार मांग क्या होनी चाहिए और मांग अनुसूची क्या होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या होती है, और जो अपना ग्रुप बनाया हुआ है उसमें रिटर्न करके आचार्य जी को जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भेजना है, पूरा याद करके। धन्यवाद।